नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य राठी और ट्रैकिंग टेक के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ी देर पहले मोटो सी प्लस लॉन्च हुआ। ये लॉन्च लाइव दिखाया गया यूट्यूब और फेसबुक पर। तो इस लॉन्च में हमने सी प्लस के सभी फीचर्स देखे और मेरे साथ आज अरुण प्रभुदेसाई भी है। तो चलिए अरुण, इस C5 के फीचर्स के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं ये क्या इस प्राइस रेंज में, जो इन्होंने लॉन्च किया है 6999 में, तो इस प्राइस रेंज में सेम फीचर्स के साथ या सिमिलर फीचर्स के साथ और कौन से फोन्स अवेलेबल है। अगर मार्केट में कोई कस्टमर जाता है और उन्हें चॉइस है और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड क्लियर दैट कंफ्यूजन। सो फर्स्टली सी प्लस के क्या फीचर्स है, स्पेसिफिक फीचर्स? मैं पूरे सब फीचर्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। जो ये जो प्राइस रेंज है, तो दिस इज 7000 रुपी फोन, 6999 बाटा प्राइसिंग का प्राइस है इसका। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh बैटरी है, एंड बिकॉज इट हैज़ 5-inch स्क्रीन, तो ये जो फ़ोन है ये आपको 1 से 1.5 दिन तक ईजिली चलेगा। सेकेंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, इसके ऊपर ऑनबोर्ड तो 16GB है, लेकिन दे हैव अ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। इसका मतलब को नहीं मिलता नहीं, आजकल सब हाइब्रिड सिम स्लॉट आते हैं, या तो आप एक सिम और एक SD कार्ड डालिए या दो सिम डालिए, फिर SD एक्सपेंडेबल नहीं होता है। Correct. तो इसके साथ ये 3 स्लॉट आता है, 2 सिम और 1 SD कार्ड, सबके लिए अलग अलग स्लॉट्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। थर्ड, फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। इसका मतलब इवन दो दे हैव दिस 4000 mAh बैटरी, आपका जो टोटल चार्जिंग टाइम होगा वो इजिली इट विल चार्ज विद इन अबाउट 2 आवर्स। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 4 or 5 आवर्स। कि 30 घंटे तक चलना चाहिए, 1 से 1.5 दिन, डेढ़ दिन तक वो चलेगा। सो इट इज एन एक्सीलेंट थिंग। ओके, और आई थिंक विद सी दे आर आल्सो टारगेटिंग लाइक यूथ, क्योंकि कूल इवन इन द लॉन्च स्पीच वी सॉ कि ये बहुत कूल पे बहुत स्ट्रेस दे रहे थे। यू नो, आई विल से व्हाट कूल बोलते हैं, कूल क्यों, क्योंकि दे आर टारगेटिंग दैट यंगर जनरेशन जो पहला फोन ले रहे हैं, दे आर जस्ट ग्रेजुएटिंग प्रॉब्ली फ्रॉम फीचर फोन, इसीलिए कूल बोल रहे हैं। कूल यानी एकदम कूल फीचर्स वगैरह नहीं है इसमें। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो प्रोसेसर है वो MTK 6737 है, जो एवरेज प्रोसेसर है, ये जो लोअर मिड रेंज के फोन्स आते हैं मोस्ट बहुत सारे फोन्स में होता है। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन का 425 या 430 होता था तो बहुत अच्छा होता था, बिकॉज पीपल प्रिफर दैट प्रोसेसर। सो आई विल से द प्रोसेसर इज एवरेज, 2GB रैम है विच इज गुड इनफ। सो इफ यू मतलब एकदम ज्यादा हाई एंड गेमिंग वगैरह के लिए ये फोन नहीं है, लेकिन नॉर्मल अपना व्हाट्सएप, वीडियो वॉचिंग, ब्राउजिंग, ये सब आपको करना है, इजीली आप कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउट ऑफ 10 आप कितने देंगे ये प्रोसेसर को? प्रोसेसर को मैं अबाउट 6 दूंगा, 6। ओके, एंड सिंस अगेन जैसे हम कह रहे हैं कि ये यूथ या फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, कैमरा कितना, क्योंकि आजकल कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यू नो, दैट्स एक्चुअली जब वो लॉन्च चालू था, तभी जो इंडिया हेड थे उनके, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये कूल सी, जो कूल है आजकल सबको सेल्फी क्लिक करना होता है, लेकिन आपको पता है वो सेल्फी कैमरा कितना मेगापिक्सल का है? 2 मेगापिक्सल। दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। इवन दो मेरे अगर पहले वाली वीडियो मैंने बोला था कि मेगापिक्सल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन 2 मेगापिक्सल इज फार टू लो, 5 मेगापिक्सल ये लोअर स्टैंडर्ड हो गया, एटलीस्ट उतना तो उन्होंने लाना चाहिए। ओनली थिंग आई थिंक दे हैव ट्राइड टू ऐड ऑन इज सेल्फी कैमरा के लिए फ्लैश दिया इन्होंने, एलईडी फ्लैश दिया हुआ है, बोथ फ्रंट एंड बैक एलईडी फ्लैश है, तो 2 LED फ्लैश बोलते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। और कैमरा के उन्होंने कुछ सैंपल्स दिखाए, वो भी अच्छे हैं, मैंने दूसरे जगह पे भी देखे, आई थिंक दिस कैमरा इज गुड, बट मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी का जो मेगापिक्सल है वो थोड़ा ज्यादा हो जाना है, 5 मेगापिक्सल तो होना चाहिए था। हमने फोन ऑर्डर कर दिया, तो लेट्स सी, वंस वी गेट इट वी विल डू एन अनबॉक्सिंग फॉर यू ऑल, और अच्छे से हम खुद यूज करके आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताएंगे उसके बारे में। तो इसी रेंज में, दिस इज 6999, सो 6500 से 7500 के बीच में और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इन द मार्केट? एक्चुअली दिस पर्टिकुलर स्पेस, जो ये जो रेंज है, ये जैम पैक्ड है, बहुत सारे फोन्स है। मैं बोलूं आपको, कूलपैड के अच्छे, कूलपैड नोट लाइट करके है, बहुत अच्छा फोन है, वो भी 6000-6500 में अभी मिल रहा है, वो सेल जो चालू है उसमें। सो दैट इज एन एक्सीलेंट फोन, 3GB रैम है उसमें, लेनोवो का K5 आ रहा है, आ नहीं रहा है, वो एक्चुअली बंद हो रहा है, बट वो है जो एक साल पहले लॉन्च हुआ था, इट्स अ गुड फोन, बट आई डोंट थिंक यू विल वांट टू बाय दिस बिकॉज वाइब सीरीज ही बंद हो रही है। Xiaomi Mi के बहुत अच्छे फोन से 4A 5999 का है, अनफॉर्चुनेटली उनका प्रॉब्लम है कि वो मिलते ही नहीं है। राइट, मैं वही बोल रहा था, ये अच्छे फोन है, अगर आप
अपने हाथ यू नो यू कैन पुट योर गेट योर हैंड्स ऑन इट एंड अगर आपको ये आप खरीद सकते हैं तो इट्स अ गुड फोन, लेकिन मिलना मुश्किल है, आप ट्राई करते रहिए। बिल्कुल, वो जैकपॉट वाली फीलिंग आती है अगर आपको पहले एक डेढ़ मिनट में अगर आपका नंबर लग जाए और आपको फोन मिल जाता है चेकआउट करके पे करके पूरा कंफर्मेशन आ जाता है, इट फील्स लाइक अ जैकपॉट। एब्सोल्युटली, मैंने दो हफ्ते पहले मैंने ट्राई किया और मुझे मिल गया, मुझे लगा मैंने एवरेस्ट पूरा सर कर लिया। एनीवेज, और एक फोन है जो मैं आपको बोलूंगा इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग ऑन प्रो 5, विच इज ब्रांड उनका बहुत अच्छा है, फोन भी अच्छा है, 2GB रैम है, 5-inch स्क्रीन है, ओनली डाउनसाइड ऑफ दैट फोन इज 2600 mAh, वो थोड़ी छोटी बैटरी लगती है, फिर भी अगर सैमसंग चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, उसमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 425 प्रोसेसर विच इज एक्सीलेंट और सैमसंग का नाम है यार, नाम है, एंड सैमसंग यूजुअली आई थिंक कैमरास आल्सो अमंग द बेस्ट एंड आल्सो लाइफ के भी बहुत सारे, वाटर 7, F1S, वाटर 8, ये भी 6,000 to 7,000 के रेंज में है, अच्छे फोन है। इनफैक्ट आई थिंक F1S में 3GB रैम है, वाटर 8 में 3GB रैम है, तो उतने ही प्राइस में 7,000 to 7,500 के, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट 7,000 to 7,500 के रेंज में ये सब फोन्स अवेलेबल हैं, तो इफ यू वांट वी कैन मेक अनदर वीडियो की बेस्ट वन अपने रेटिंग के हिसाब से, बट ये जो रेंज है ये बहुत ही क्राउडेड है, तो आपको आपके हिसाब से आपको क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप स्पेसिफिकेशंस देखिए और वैसे बाय कीजिए। अगर मैं सपोज मैं मेरे नेफ्यू ने मुझे पूछा कि ये मुझे फोन लेना है पहला तो कौन सा लेना चाहिए, मैं अगर लेने जाता था तो इसमें जो हमने वीडियो देखा इसका या जो लॉन्च देखा हमने सी प्लस का, उसमें दे हैव कम आउट विद थ्री कलर्स फॉर द फोन, राइट, ब्लैक, व्हाइट एंड गोल्ड। गोल्ड अब ये आई थिंक स्टैंडर्ड बन चुका है सभी जगह, हाँ, सभी लेते रहे, हाँ। तो नोकिया छोड़ के, नोकिया ने वो 3310 लाया था, ऑरेंज, येलो, अलग अलग कलर्स, वाइब्रेंट, अगर कूल करना था तो वैसे कुछ ब्राइट कलर्स और समथिंग लाइक दैट, या या दे से इट्स अ फाइन टेक्सचर्ड बैक कवर व्हिच कैन बी चेंज, रिमूवेबल बैटरी, आई थिंक वी मिस्ड आउट दैट पॉइंट, या या, तो इट हैज, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फोन्स व्हिच हैज रिमूवेबल बैटरी। आप बोलिए, आपको याद है रिसेंटली जो फोन लॉन्च हुआ है जिसमें आप बैटरी निकाल सकते हैं, पहले होता था, अभी के स्मार्टफोन्स में तो नहीं है वो, बट हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस, है क्या नहीं, अगर बैटरी मतलब क्या है कि बैटरी आप खरीद सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो होगा तो वो खोल के निकाल के आपको सर्विस स्टेशन में जाके वो कराना पड़ता है, इसमें आप सीधा बाय करो, निकालो और डाल दो, ऐसे हो जाता है। फोन याद आ गए मुझे, ब्लैकबेरी पुराने वाले सारे, ब्लैकबेरी का आई डोंट रिमेंबर, आई हैव लॉस्ट काउंट मैंने कितनी बार बैटरी खरीद के चेंज की है। ओह माय गॉड, ब्लैकबेरीज वर नोटोरियस फॉर बैड बैटरीज, या यस, ओके, सॉरी अबाउट दैट, ओके, सो फाइनली व्हाट इज द ओवरऑल रेटिंग दैट वी गिव फॉर सी प्लस? ओके, मैं रेटिंग तो नहीं कहूंगा, अगर दो चीजें हैं, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो 6,000 to 7,000 के रेंज में है, प्लस जो एक डेढ़ दिन तक बैटरी टिकनी चाहिए जिसकी, आई थिंक दैट्स दिस इज अ गुड फोन। लेकिन अगर आप हैवी यूसेज के लिए फोन देख रहे हैं, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक इट माई यू नो इट्स जस्ट एन एवरेज फोन, इट विल नॉट एक्सेल इन दैट डिपार्टमेंट। इवन फ्रॉम कैमरा परस्पेक्टिव आई एम नॉट टू श्योर इफ यस इट माइट क्लिक सम गुड पिक्चर्स, बट 2MP एंड 8MP कैमरा, 8 megapixel आजकल कौन बनाता है, हाँ एग्जैक्टली, सो बेसिकली एक दो चीज़ें छोड़ के बाकी थोड़ा एवरेज ही है ये फ़ोन मेरे हिसाब से। आई विल रेट इट अबाउट 6.5 to 7/10, दैट इज़ माई रेटिंग फॉर मोटो सी प्लस। तो आप पर्सनल यूज़ के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए ये नहीं लोगे? नहीं, मैं नहीं लूँगा ये फ़ोन, I'm sorry, but नहीं, sorry Moto, but nothing against you. But yeah, we're just comparing the phones. तो आपको क्या लगा कि आपका अगर ये बजट है 6,000 to 8,000 के बीच में, तो आप कौन सा फोन लेंगे? आपकी आपने भी कई स्टडी किया होगा, कई फोन्स देखे होंगे, मार्केट में देखे होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, तो what do you think इस रेंज में बेस्ट फोन आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ और मैं मार्केट में जा रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा फोन खरीदना चाहिए? हाँ, और अगर आपको मेरे रेटिंग के साथ इफ़ यू डोंट अप्रूव ऑफ दैट रेटिंग, बोलिए हमें कमेंट में कि क्यों नहीं आप अप्रूव करते हैं। देखिए, हम बहुत न्यूट्रल हैं, ना तो मोटो पैसा देता है या ना तो हम मोटो को पैसा देते हैं, तो वी आर वेरी न्यूट्रल रिव्यूअर्स। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल चॉइस से ये रेटिंग मैंने दी है, आप बोलिए आपको क्या लगता है मोटो सी कैसा है, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जस्ट लेट योर फ्रेंड्स नो, और आपके कमेंट्स आने दीजिए। वी लव योर कमेंट्स, वी लव यू गाइज, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनने में आ रहे हैं और आपके कमेंट्स ही हमें और अच्छे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो थैंक यू वेरी मच, वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम चैतन्य एंड दिस इज अरुण साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू।